गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आज हम राग छायानट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको कामोद के बारे में पढ़ाया था और इसी कारण आज हम छायानट पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रागे बहुत सी एक दूसरे से मिलती जुलती रागे हैं। सबसे पहले इस राग के बारे में इतना ही बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने बताया था कि ये कल्याण ठाट की राग है, क्योंकि कामोद से सिमिलर राग है ये। इसमें जो स्वर समूह हैं कामोद और छायानट, कामोद दोनों के जो स्वर समूह हैं बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, बहुत कुछ उनमें समानता है। मैंने पहले भी कहा था कि मध्यम, दोनों मध्यम की रागें हैं और इसमें हम तीव्र मध्यम और शुद्ध मध्यम दोनों ही इस राग में लगाए जाते हैं। ये छायानट जो है एक बहुत प्राचीन सा राग है और इसका वर्णन भी हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, परंतु आधुनिक जनजाति प्रचलित राग छायानट का स्वरूप प्राचीन ग्रंथों में वर्णित छायानट से बिल्कुल अलग है। प्राचीन छायानट का राग और वर्तमान में जो छायानट हम गा रहे हैं राग, वो दोनों बिल्कुल भिन्नता रखता है। दोनों अलग अलग हो गए हैं, उनके गाने में बहुत चेंज आया है, उनके स्वरों में, उनके अलग अलग चीज़ों के अलग अलग मत हो गए हैं प्राचीन काल से लेके अब तक में। प्रचलित छायानट में वादी स्वर प है और समवादी स्वर रे है। यह कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है। इसकी जाति संपूर्ण है व गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। ये कल्याण ठाट का मतलब कल्याण ठाट का है, इसका मतलब इसमें मध्यम तीव्र लगाया जाता है और इसकी जाति संपूर्ण होने का तात्पर्य है कि ये इसमें सारे स्वर लगते हैं, कुछ भी स्वर वर्जित नहीं है। मतलब सातों स्वर आरोह में भी लगते हैं और अवरोह में भी सातों स्वर लगाए जाते हैं और रात्रि के प्रथम प्रहर में इसको गाया बजाया जाता है, उसी वक्त इसको गाने बजाने का प्रचलन ज़्यादा है। जैसा कि आप इसके दोहे में देख रहे हैं कि द्वय मध्यम तीखे सब परि संवाद नी नाही चढ़ते उतरी ग वक्र ही छायानट बताही। मतलब दोनों तरह के मध्य हैं, मध्यम है इसमें तीव्र भी और शुद्ध भी, और इसका वादी स्वर प है और संवादी स्वर नी है। जब चढ़ते हुए हम और उतरते हुए जब हम आते हैं तो ग वक्र होता है, वह छायानट में बताया गया है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कुछ विद्वानों के अनुसार छायानट का मिश्र नाम अर्थात छाया तथा नट के मिश्रण से इसकी उत्पत्ति हुई है। जैसा कि हम नाम से ज्ञात हो रहा है हमें छाया नट, मतलब छाया और नट दो रागों के मिश्रण से यह उत्पन्न हुआ है ये राग। परंतु छाया में तीव्र मध्यम या नट का अंग नहीं है तथा नट बिलावल बिलावल थाट का है। कहने का मतलब है छाया में तीव्र मध्यम नहीं है और नट का अंग भी नहीं है तथा नट जो राग है वो बिलावल थाट की राग है, जबकि छाया नट तो तीव्र मध्यम वाली कल्याण थाट की राग है। ऐसे गायक वादक कम ही मिलेंगे जो छाया तथा छाया नट को अलग अलग गा बजा कर दिखा सके। कहने का मतलब है कि नट और छाया दोनों को गाने का प्रचलन, अलग अलग गाने का प्रचलन कम ही देखा गया है या अलग अलग रूपों में कम प्रसिद्ध है। बहुत कम गायक ऐसे हैं जो छाया और नट को अलग अलग गाकर सुना पाते हैं या बता पाते हैं। वस्तुतः ये बाल की खाल निकालने जैसा है। छाया नट कामोद की प्रकार का ही एक राग है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो छायानट राग है वो कामोद जैसा ही दिखाई पड़ता है। कामोद में जिस तरह हम रे पर जाते हैं कि स्वर संगति होती है, वैसे इसमें पर एक ही स्वर संगति ज़्यादातर ली जाती है। इसमें दोनों मध्यम का प्रयोग होता है, शुद्ध मध्यम का भी और तीव्र मध्यम का, और तीव्र मध्यम होने के कारण ही इसे विद्वानों ने
कल्याण थाट के अंतर्गत रखा है। कामोद और छायानट को एक माँ की दो बेटियाँ भी हम कह कहें तो कोई आपत्ति न होगी, मतलब एक ही उससे उत्पन्न है, एक ही थाट से उत्पन्न है ये दोनों, और बहुत कुछ सिमिलरिटी रखते हैं ये दोनों राग, क्योंकि दोनों में दोनों मध्यम लगाए जाते हैं, बस फर्क उनके थोड़ा सा चलन का फर्क है, बाकी बहुत साम्यता ये राग दोनों रखते हैं जिसे हम आगे प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। इन दोनों में बहुत साम्य है, परंतु कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो इन्हें अलग कर देते हैं। कामोद में रेपा की व छायानट में परे की संगति होती है। यदि ध ध प परे ग म प ग म रेसा इतना टुकड़ा याद कर लें तो फिर छायानट से कुछ ज़्यादा नहीं सीखना, ऐसा गुणीजन कहते हैं। मतलब ये जो टुकड़ा है ध ध प परे ग म प ग म रेसा, यह जो टुकड़ा है ये छायानट में ज़्यादातर गाया बजाया जाता है, ऐसा गुणीजन कहते हैं, विद्वान कहते हैं, संगीतज्ञ कहते हैं कि ये टुकड़ा बार बार छायानट में गाया बजाया जाता है और इसी से छायानट पहचाना जाता है। यह भी कामोद की तरह आरोह में स्पष्ट होता है, तीव्र मध्य में इसमें नाम मात्र का ही प्रयोग लगाया जाता है। जैसे कामोद में भी कहते हैं कंपेरेटिवली म के, शुद्ध म के तीव्र मध्यम कम प्रयोग में लाया जाता है, इसी तरह इसमें भी, इस राग में भी तीव्र मध्यम को या म को, तीव्र म को इसमें नाम मात्र को ही लगाया जाता है। मनाक स्पर्श के नाते कोमल निषाद का प्रयोग छायानट में अत्यंत मधुर प्रतीत होता है, मतलब कभी कभी इसमें नी जो कोमल है वो कभी कभी लगा देते हैं, मनाक स्पर्श मतलब बहुत हल्के से रूप में, हल्का सा स्पर्श करके और उसे हम लगा देते हैं, उसको मनाक स्पर्श कहते हैं, और उसमें नी कोमल को कभी कभी बहुत कम रूप में हम लगा देते हैं, इसको मनाक स्पर्श कहा गया, वो जो छायानट में प्रयोग में लाया जाता है नी कोमल उसी को ये कहा जाता है कि मनाक स्पर्श के लिए के नाते नी को कभी कभी इस राग में कोमल को नी को लगा दिया जाता है, जो बहुत ही सुनने में बहुत सुंदर प्रतीत होता है। इस प्रकार कोमल निषाद दिखाते हैं। इस राग की दूसरी प्रधान विशेषता यह है कि तीव्र मध्यम का प्रयोग। कल्याण थाट के दोनों मध्यम वाले रागों में तीव्र मध्यम अत्यंत अल्प होता है, अल्प यानी बहुत कम रूप में गाया बजाया जाता है। जहाँ भी दो स्वर एक साथ होते हैं, जैसे दो एक ही स्वर के दो रूप होते हैं, जैसे इन रागों में, वहाँ मध्यम थोड़ा तीव्र मध्यम कुछ अल्प मात्रा में लगाया जाता है और शुद्ध मध्यम ज़्यादा मात्रा में लगाया जाता है। कल्याण थाट के दोनों मध्यम वाले रागों में तीव्र मध्यम अत्यंत अल्प होता है, परंतु छायानट में यह इतना अल्प है कि यदि उसे थोड़ी देर के लिए वर्जित कर दें तो राग हानि नहीं होती है। कहने का तात्पर्य कि बहुत थोड़ी देर के लिए इसको वर्जित भी कर दें, इतना कम रूप में तीव्र मध्यम लगता है कि यदि इसको थोड़ी देर वर्जित कर दें तो भी इसमें राग हानि नहीं होती है, उसको इस तरह से गाया बजाया जा सकता है। इसमें तीव्र मध्यम थाट वचक स्वर है, मतलब थाट के कारण इसमें तीव्र मध्यम जो लगा है वो थाट को दर्शाता है और इसी कारण उसको तीव्र मध्यम को लगाया जाता है, वरना वर्जित भी कर दें कभी थोड़ा सा इसे तो उस राग में चल जाता है और चलाया जा सकता है। थाट वचक मतलब वो थाट को दिखाता है। मा तीव्र क्योंकि ये कल्याण थाट का राग है इसलिए म तीव्र का होना आवश्यक हो गया और इसी कारण उसे ये थाट वाचक मतलब इस राग को दिखाता है, इस कल्याण थाट को दिखाता है और वो मध्यम तीव्र होना उसमें आवश्यक हो गया, उसे कभी कभी इसीलिए लगाएं तो भी इस राग को गाया बजाया जा सकता है। ये रात्रि गेय राग है, ये मतलब ज़्यादातर रात्रि में गाया जाने वाला, प्रथम प्रहर में गाया जाने वाला राग है। हम ये नहीं कह सकते कि रात्रि गए इसलिए इसे रात में ही गाना ज़रूरी है, इसे गा तो कभी भी जा सकता है, लेकिन जब जो रागों का समय बना है अलग अलग रागों का उसमें इसे रात्रि के प्रथम प्रहर में ज़्यादातर गाया बजाया जाए तो वह सुनने में बहुत ही मधुर प्रतीत होता है। उचित प्रमाण में तीव्र मध्यम का प्रयोग इसके सौंदर्य व विचित्रता को बढ़ा देते हैं, मतलब कभी कभी और उचित मात्रा में लगा देने पर इसका जो छायानट में है इस स्वर का प्रयोग मध्यम तीव्र का वो उसकी सौंदर्यता का
सौंदर्यता और विचित्रता को बढ़ा देता है। इसके आरोह व अवरोह में गामा प व पामा ग इस प्रकार तीव्र मध्यम नहीं लेते। इसकी एक अन्य विशेषता रेगमा प का सावकाश प्रयोग है, मतलब इसमें गामा प पामा ग इस तरह से कम जाता है, नहीं जाता, तीव्र मध्यम नहीं लेते, इस प्रकार तीव्र मध्यम नहीं लेते। गामा प जा रहे हैं तो शुद्ध मध्यम लेंगे, पामा ग इस तरह से भी तभी शुद्ध मध्यम ही ज़्यादातर प्रयोग में लिया जाता है। इसकी एक अन्य विशेषता रेगमा प का सावकाश, मतलब रेगमा प बार बार प्रयोग में लिया जाएगा, सावकाश प्रयोग किया जाता है उसका, तो उसे छायानट का जो अंग है वह दिखाई देता है। यह प्रयोग केदार व कामोद में कभी नहीं दिखाई देगा, यह प्रयोग जो है वह केदार और कामोद में कभी दिखाई नहीं देता। रेगमा प जब हम लगा रहे तो वह छायानट में ही दिखाई दे रहा होता है, लेकिन वह केदार और कामोद में नहीं लगाया जाता है। इस प्रकार छायानट का जो स्वरूप है वह एक अलग ही प्रकार का स्वरूप है। चतुर श्रोताओं को इस राग में बिलावल, यमन, हमीर तथा गौड़ इन रागों का मिश्रण दिखाई देता है, मतलब जो अच्छे श्रोता हैं उसमें उनको इसमें बिलावल का राग, यमन का राग, हमीर का तथा गौड़ सारंग इस तरह के राग जो हैं उन रागों का इसमें उनको चलन दिखाई देता है, या इसी प्रकार का मिश्रण उसमें इस राग में उन्हें दिखाई देता है। हमीर तथा केदार की तरह छायानट के अवरों में भी कभी कभी विवादी स्वर के नाते कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है। छायानट की तरह जैसा हमने पहले पढ़ा कि छायानट में कभी कभी सुंदरता के लिए या मधुरता के लिए कोमल निषाद का प्रयोग कर लिया जाता है, उसी प्रकार राग हमीर और केदार में भी कभी कभी विवादी स्वर के नाते कोमल निषाद का प्रयोग कर लिया जाता है। जब जो स्वर कभी कभी प्रयोग किया जाता है और उसमें कोई विवाद होता है उसे गाने बजाने में या प्रस्तुत करने में, तो उसे विवादी स्वर कहा जाता है। और ये विवादी स्वर इन रागों में कोमल निषाद को माना जा रहा है, जो कि बहुत कम और कभी कभी सुंदरता के लिए गाया बजाया जाता है। संगीत परिजात में अहोबल ने छायानट को शंकराभरण के स्वरों का राग माना है। परिजात का छायानट प्रचलित छायानट से बहुत अधिक मिलता है। संगीत परिजात जो किताब है, बुक है, उसमें अहोबल, जो अहोबल के द्वारा लिखी गई है, पंडित अहोबल हुए हमारे यहाँ संगीतज्ञ बहुत बड़े, उनके द्वारा लिखी गई है, उन्होंने छायानट को शंकराभरण कहा है, मतलब छायानट का नाम उन्होंने शंकराभरण दिया है, जो ये साउथ में बहुत प्रचलित है ये, कि उधर शंकराभरण गाया जाता है और हमारे इधर छायानट गाया जाता है। परंतु अहोबल ने छायानट में केवल एक ही मध्यम माना है, उन्होंने उसे, जो अहोबल है पंडित अहोबल, उन्होंने छायानट में एक ही मध्यम माना है। राग लक्षण व संगीत सारामृत का छायानट प्रचलित छायानट से भिन्न है। जो राग लक्षण है बुक है, संगीत सारामृत बुक है, उसमें जो छायानट है और जो प्रचलित छायानट की उसमें जो व्याख्या की गई है वह बिल्कुल इस समय के जो छायानट से बिल्कुल भिन्न उसका स्वरूप बताया गया है। जन रुचि के अनुसार राग रूपों में भी परिवर्तन होता रहा है, मतलब जैसे श्रोतागण हैं या जो गायक है उनकी जो रुचि है और जिस तरह से प्रस्तुत करने का उनका तरीका है, ये समय के साथ परिवर्तित होता गया, और उसी के कारण आज जो छायानट हम गा रहे हैं वह बिल्कुल भिन्न है, पुराने छायानट से वह भिन्न माना जाता है। इस प्रकार आज हमने छायानट का शास्त्रीय वर्णन के बारे में या इसके राग के बारे में जाना। इसके आगे मैं आपको आरोह अवरोह पकड़ बताऊंगी, जिसका अभ्यास आपको बार बार करना है। Thank you.
इस प्रकार हमने आरोह और पकड़ को अभी गाया। जैसा कि आप इसकी पकड़ में देख रहे हैं कि प और रे की स्वर संगति है, कामोद में रे प की स्वर संगति थी, लेकिन इसमें प रे की स्वर संगति है। जो पकड़ है इसकी आप वापस देखेंगे कि उसमें किस तरह की स्वरों का लगाव है, किस तरह का उसका चलन है, और उसी के कारण ये छायानट बन गया है, ये कामोद से अलग हो गया राग। प्रकार इसका जो स्वरूप है वो परे की स्वर संगति से स्पष्ट हो जाता है। कामोद में रे पर जाते हैं हम और इसमें हम परे जाते हैं। एक बार मैं वापस से आपको आरोह पकड़ दोबारा से गाना चाहूंगी। इस आरोह और पकड़ में हम देख रहे हैं कि सारे गमा पर नीधा सा, जब आरोह जा रहा है तो गमा पर इसमें शुद्ध आएगा, लेकिन सानी धप म प धप जहाँ भी आ रहा है ये इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन म प धप जहाँ भी आ रहा है म तीव्र होगा। प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ये म शुद्ध लिखा हुआ लेकिन शुद्ध नहीं है, म तीव्र ही है और इसको आपको तीव्र ही गाना है। आगे इसमें पर आया गम प गया है, वापस गम प क्या आ रहा है, शुद्ध आ रहा है। मागा जहाँ आ रहा है मागा मारे वह भी शुद्ध आ रहा है। अभी मैंने आपको स्वर में और आकार में दोनों में मैंने आरोह और उपकर गाकर आपको बताए, आपको इसी तरह अभ्यास करना है स्वर में भी और आकार में भी। आकार का मतलब कि जो स्वर हम गा रहे हैं, जैसे सारे गम पर नीधसा, तो इसको आ आकार में करके और इसको स्वर वही गाने हैं कि सा गा रहे हैं तो आ के माध्यम से बस स्वर नहीं गुनगुनाने और उसको आकार में गाना है, आ करके गाना है। इसका अभ्यास आप बार बार करें तो इसे बार बार इस राग को आप समझ पाएंगे कि ये किस तरह चल रहा है और हमें इसे किस तरह से गाना है। जहाँ सानी धपा माप धपा गमन माप धपा जहाँ भी आएगा वहां पे मत तीव्र हो जाएगा और आरोह में शुद्ध लगा है इसका म, और अवरोह में म पद हप जहां भी आया है वहां पे तीव्र मध्यम लगा, और गमर ऐसा जहां आया है म पद हप के बाद वापस गमर ऐसा आया तो उस म रेसा में गमर ऐसा में म शुद्ध हो जाएगा। मतलब एक ही स्वर के दो रूप लगाए गए, जहां म पद हप आया वहां तीव्र मध्यम और गमर ऐसा जहां पर आया है वहां पर शुद्ध मध्यम गाया जाता है। इस प्रकार आज हमने इस राग को समझा, इसके पश्चात हम छोटा ख्याल इसका गाएंगे और सुन के और आप इसको तैयार करेंगे और
गाएंगे बार बार इस आरोह पकड़ को और इस शास्त्रीय वर्णन को आप गाएंगे। दक्षिण में इस छायानट को शंकराभरण के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको भली बात ही पता होना चाहिए। छायानट का प्रचलित जो छायानट है वो पुराने समय से अभी तक का जो समय है उसमें बहुत डिफरेंस है आ गया है, क्योंकि समय के साथ साथ जैसे जैसे सभ्यताएं चेंज हुई, जैसे जैसे काल चेंज हुए और उसी कारण ये राग चेंज होता गया और आज हम जो गा रहे हैं वो इसी तरह से गा रहे हैं कि इसमें हम दोनों मध्यम का रूप दिखा रहे हैं। आप इसका अभ्यास करें।